जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए गए JLO की वैकेंसी के बारे में, जिसमें आपकी जूनियर लीगल ऑफिसर की वैकेंसी निकली है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और अन्य प्रमुख जानकारी इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं, जहां पर आपको डिटेल और जानकारी दे सकूँ। और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग, ठीक है, 5/7/2023। यहाँ पर आपको देख सकते क्रम संख्या देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपकी वैकेंसी है जो कि आपकी गैर TSP क्षेत्र और राजस्थान विधिक आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपकी 140 पद हैं, जिसमें आपकी नॉन TSP TSP की वैकेंसी 134 हैं, नॉन TSP की और TSP की 6 हैं, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद स्थायी रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप वैकेंसी दे सकते हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरीज वाइज दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे पूरी जानकारी, इधर आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी आप नोट यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसके बारे में आपको दे रखा है। फ्रेंड्स, शैक्षिक योग्यता की बात करें, यहाँ पे आपकी आपकी शैक्षिक योग्यता मस्ट बी लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाई आप देखते हैं लॉ इन इंडिया या उसके बराबर, 3 ईयर कोर्स आपका प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, वर्किंग नॉलेज हिंदी रिटेन देवनागरी स्क्रिप्ट नॉलेज आपको राजस्थानी कल्चर के होनी चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपके शैक्षिक अर्हता है, अंतिम वर्ष के परीक्षा में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति आवेदन देने के पात्र समझा जाए, किंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके द्वारा आयोजित साक्षात्कार से पूर्व शैक्षिक योग्यता पूरी हो जानी चाहिए और उसके सबूत दे, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साक्षात्कार के पूर्व अभिव्यक्ति के आपका आशय साक्षात्कार प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक साक्षात्कार का पहला दिन है। यहाँ पे लेवल 10 आपका देख सकते हैं, पे लेवल 10 है, ग्रेड पे 3,600, ठीक है। मासिक वेतन आपका फिक्स रहेगा, आपकी आयु 1/1/2024 के अनुसार 21 मिनिमम और मैक्सिमम 40 दे रखी है। तो यहाँ पे जैसे क्रमिक के विभाग की अधिसूचना 23/9/2022 के अनुसार जो व्यक्ति 31/12/2022 की सीमा के भीतर था, उसी यहाँ पे देख सकते हैं 31/12/2024 के भीतर ही समझा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको देख सकते हैं आपका SC ST है, बैकवर्ड क्लास है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 साल का रिलेक्शन है। फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट वुमन बिलोंग टू आपका SC है, तो उनको 10 साल का एज रिलेक्शन। सामान्य महिलाओं के लिए जाति के 5 साल, यहाँ पे तलाकशुदा और अन्य महिलाओं के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई आयु की अधिकतम आयु की सीमा नहीं है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके बारे में, यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभ्यर्थी को चयन के प्रतियोगिता में साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रिका मूल्यांकन स्केलिंग आपका मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जा सकती है, संबंधित आपका सेवा में नियम की 24 के अनुसार, ठीक है। परीक्षा का स्थान यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि 2/1/2023 में आयोजित किया जाने की संभावना है। परीक्षा स्थान व तिथि की आपको सूचना दे दी जाएगी। बाकी आप डिटेल दे सकते हैं। आवेदन की अवधि 10/7 से लेकर 9/8 तक आपके रात्रि के 12 बजे से रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया के लिए rpc.rajasthan.gov.in पर आप जाके दे सकते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं राजस्थान की वैकेंसी के लिए सबसे पहले आपको SSO ID बनानी पड़ेगी। SSO ID बनाने के बाद यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद वहाँ पर आपको अपनी एक आपको जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन की फ़ीस जमा करनी है, उसके बाद आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसके प्रोसेस में कोई भी जानकारी चाहिए तो वो मैं बता दूंगा। तो उसके बाद आपको जैसे ही रजिस्ट्रेशन कर लेंगे OTR, तो आपको G2C में जाएंगे, आप रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये वैकेंसी 10 तारीख के ऊपर आपको देखने लग जाएगा। यहाँ पर आपको देखिए फीस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। सभी प्रकार के संशोधन के शुल्क यहाँ पर दे रखे हैं, 500 रुपये दे रखा है। यहाँ पे OTR रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे 600 रुपये और अन्य जो है SC ST फिजिकल डिसेबल आर्थिक रूप से कम 400 रुपये फीस रखी गई है, ठीक है। सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर लीगल ऑफिसर की सब्जेक्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेशल आपको दे रखा है 50, सिविल प्रोसीजर सिविल कोड क्रिमिनल प्रोसीजर यहाँ पे आप 50, और एविडेंस एक्ट लिमिटनेस एक्ट ये सब दे सकते हैं 50,
आपका जनरल हिंदी 25 और जनरल इंग्लिश 25, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि प्रत्येक पेपर 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा, जिसमें आपको 40% प्रत्येक पेपर में नंबर में लेके आना है, ठीक है। ऑल पेपर एक्सपेक्ट लैंग्वेज पेपर स्पेशली रिक्वायर्ड टू सेल बी आइदर हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज विल भी आपका रहेगा सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ठीक है, 12th लेवल का रहेगा। यहाँ पे आप बाकी जानकारी दे सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंड OTR में देख सकते हो, ऑनलाइन आवेदन पत्र में आपका संशोधन संबंधी सूचना है। जब आप ऑनलाइन अब सबमिट करेंगे, किसी प्रकार की त्रुटि होती है, अभ्यर्थी OTR प्रोफाइल में जैसे कि आपका स्वयं के नाम, पिताजी का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, आपके इन त्रुटि को आपको संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन पत्र को आप संशोधन करना चाहता है, उसके अवधि के एवं अवधि के पत्र के अंतिम दिनांक के 10 दिन के भीतर वो ₹500 शुल्क देकर इसको कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ₹500 शुल्क दे के आप उसको OTR में सुधार कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिटेल है, ये आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैंडिडेट जो वाइवा के आर बारे में आता है, कैंडिडेट वू ऑब्टेन सच मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन, फिक्स्ड आपका कमीशन, आपका डिस्ट्रेशन शैल बी समन्ड बाई द इंटरव्यू पर्सनलिटी टेस्ट जो कि 25 मार्क का होगा। देख सकते हैं कमीशन में फिक्स मिनिमम क्वालिफाई मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन, आप SC ST आपका लोअर देन व्हाट इज द प्रिस्क्राइब फॉर कैंडिडेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए हमेशा कम रहता है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बाकी आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इनके बारे में आपको देर का मोबाइल पता, इन सब के बारे में आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में दे सकते हैं, प्रमाण के पत्रों के सत्यापन के बारे में अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, या अगर आपको किसी प्रकार की डिटेल और जाननी है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मैंने इस वैकेंसी के बारे में बताया जो बेसिक डिटेल थी, ठीक है। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छी लगी हो। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सरकारी तैयारी प्लस को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।